एप्पल के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। असल में मंगलवार को एप्पल ने अपना नया आईफोन सीरीज 15 को लॉन्च कर दिया था। इसके साथ ही एप्पल ने 3 अलग अलग वेरिएंट के स्मार्ट वॉच भी लॉन्च किए, लेकिन लगता है कि आईफोन 15 की लॉन्चिंग निवेशकों को रास नहीं आई। वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन 15 लॉन्च के बाद एप्पल के शेयर 2% गिरकर बंद हुए। मंगलवार को एप्पल के शेयर की कीमत में 1% से अधिक की गिरावट आई। एप्पल का शेयर 2% गिरकर $176.30 प्रति शेयर पर बंद हुआ। अब इस गिरावट से कंपनी को $47.76 अरब यानी 4,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में आईफोन सीरीज 15 लॉन्च होने के बाद एप्पल के शेयर में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली, जिससे कंपनी का 4,00,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गया। लेकिन शेयर में गिरावट की असल वजह चीनी कंपनी हुआई टेक्नोलॉजीज है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एप्पल के शेयर में गिरावट की असल वजह चीन को माना जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के शेयर की कीमत में गिरावट उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि चीन की हुआई टेक्नोलॉजीज ने अपने मेट 60 सीरीज स्मार्टफोन के लिए साल के सेकंड हाफ की शिपमेंट के टारगेट को 20% तक बढ़ा दिया है। चीनी कंपनी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया के सामने एप्पल का नया आईफोन 15 सीरीज और दूसरे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है। बता दें, कुछ दिन पहले ही चीनी सरकार ने अपने कर्मचारियों को आईफोन और दूसरे विदेशी डिवाइस यूज ना करने की हिदायत दी थी। अब एप्पल को हुए नुकसान के आंकड़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कंपनी के शेयर में गिरावट की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट $47.76 अरब की देखने को मिली है। भारतीय रुपए में इस नुकसान को समझें तो यह आंकड़ा 4,00,000 करोड़ रुपए के आसपास आंका जा रहा है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को जब बाजार बंद हुआ था तो कंपनी का मार्केट कैप $2.799 ट्रिलियन था, जो सोमवार को बाजार बंद होने के बाद $2.752 ट्रिलियन रह गया। इसका मतलब है कि कंपनी के मार्केट कैप में $47 अरब से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बता दें, कल एप्पल ने अपने वंडरलस्ट इवेंट के दौरान आईफोन 15 और अपनी नेक्स्ट जनरेशन एप्पल वॉच को लॉन्च किया था। कंपनी ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी 4 मॉडल्स लॉन्च किए हैं। इवेंट में आईफोन 15 सीरीज के आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स को लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।